हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत दिनों बाद आपके लिए ब्लॉग, और ब्लॉग बना रही हूँ क्या ब्लॉग क्या ब्लॉग में एक मीठी रेसिपी बना रही हूँ, जिन्हें बोलती हूँ टिकिया, कुंडों की टिकिया। तो आइए उसकी ये सामान देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पड़ेगा। जी मैं पहले ही मिला चुकी हूँ सूजी, भूल गई थी मुझे ब्लॉग में डालना है। तो ये है मैदा और ये सूजी है, ये सूजी पड़ेगी इसमें, महीन हो मोटी हो कोई सी भी हो, बस इतनी ही पड़ेगी, 1 किलो मैदे में इतनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये है चीनी 700 ग्राम, 750 ग्राम, जैसे कि 1 किलो मैदा है तो थोड़ी सी सूजी डालिए 100 ग्राम होगी, और ये 1 किलो, 1 किलो नहीं डाली, बहुत सारा बराबर की डालते हैं, जितनी मीठी आपको पसंद हो उस हिसाब से बनाइए। फिलहाल मुझे अभी मीठी मालूम हो रही है कि ज़्यादा लग रही है, तो मैं उसे कम भी कर लूँगी, अभी हो सकता है मुझे कम करनी पड़े। और आप अपने मीठा जो है अपने हिसाब से, बहुत बहुत मीठा, हाँ टेस्ट के हिसाब से अपना मीठा खा सकते हैं, डाल सकते हैं। और जो नारियल है, कुछ काजू है, कुछ दालचीनी नहीं, इसे क्या बोलते हैं, दाल की तरह जाती है, दालचीनी बोलती है, चिरौंजी, और जो इलायची, और जो इतना घी मैं इसमें मैदे के साथ भूनूंगी। और ये जो है मैं अभी चीनी जब इसे पीसूंगी, ग्राइंड करूंगी, इसी के साथ मैं इसको भी पीस लूँगी, और इसको भी ग्राइंड करूँगी मैं अलग से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल देती हूँ, ये मुझे न्याज भी करानी है इस पर आज, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा। उसकी ये सामान देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पड़ेगा। जी मैं पहले ही मिला चुकी हूँ सूजी, भूल गई थी मुझे ब्लॉग में डालना है। तो ये है मैदा और ये सूजी है, ये सूजी पड़ेगी इसमें, महीन हो मोटी हो कोई सी भी हो, बस इतनी ही पड़ेगी, 1 किलो मैदे में इतनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये है चीनी 700 ग्राम, 750 ग्राम, जैसे कि 1 किलो मैदा है तो थोड़ी सी सूजी डालिए 100 ग्राम होगी, और ये 1 किलो, 1 किलो नहीं डाली, बहुत सारा बराबर की डालते हैं, जितनी मीठी आपको पसंद हो उस हिसाब से बनाइए। फिलहाल मुझे अभी मीठी मालूम हो रहा है कि ज़्यादा लग रही है, तो मैं उसे कम भी कर लूँगी, अभी हो सकता है मुझे कम करनी पड़े। और आप अपने मीठा जो है अपने हिसाब से, बहुत सारा बहुत मीठा, हाँ टेस्ट के हिसाब से अपना मीठा खा सकते हैं, डाल सकते हैं। और जो नारियल है, कुछ काजू है, कुछ दालचीनी नहीं, इसे क्या बोलते हैं, दाल की तरह जाती, दालचीनी बोलती है, चिरौंजी, और जो इलायची, और जो इतना घी मैं इसमें मैदे के साथ भूनूंगी। और ये जो है मैं अभी चीनी जब इसे पीसूंगी, ग्राइंड करूंगी, इसी के साथ मैं इसको भी पीस लूंगी, और इसको भी ग्राइंड करूंगी मैं अलग से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल देती हूँ, ये मुझे न्याज भी करानी है इस पर आज, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बहुत जायकेदार खस्ता बनती हैं ये, ठीक है, बहुत मज़े की होती हैं ये। अभी काजू तो ये सब जो है भी ना उसमें करूँगी, लव मिक्सी जार, ये इसमें जैसे इन्होंने बताया था मैंने चीनी के साथ ही इसको, नहीं इसको इलायची, हाँ इलायची को ग्राइंड कर लिया। अब ये चीनी मैंने इसमें डाल दी पीसी हुई, इसी में इलायची भी पीस के डाल दी थी, अभी और पीस लिया, अभी बाकी भी पीस लिया, इसी थोड़ा सा काजू और ये जो है ना चिरौंजी, इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं, कोई कोई पीस रहेगा इसमें, तो ये काजू और क्या डाला था इसमें मैंने, चिरौंजी, मैं भूल जाती हूँ, इसको मैंने इसमें पीस लिया है इस तरह से, बस ये दो एक टुकड़े रह गए हैं, अलग से डालूंगी इसे पीस के। अब इसमें डाल रही हैं घी, सारा मिक्स करना है हमें, ये इस तरीके से मिक्स करना है, सूजी और जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं इसमें, और घी, और ये चीनी, इस तरीके से सब, और इसमें खोया भी डाला जाता है, खोए वाली भी बनती है, और बहुत से लोग नरम पसंद करते हैं, खस्ता नहीं पसंद करते, जिनके दांत वगैरह प्रॉब्लम है, तो वो दूध भी इसे डाल के गूंथ सकते हैं। और ये जैसे हमारे तो दांत हैं और हमें खस्ता पसंद है, हम खस्ता के हिसाब से, हमारे घर पे भी सबको खस्ता ही पसंद है, सबको खस्ता पसंद है, हम दूध नहीं डालते इसमें, है इसे थोड़े से पानी से हल्के हल्के पानी लगा के इसे गूंदेंगे, पहले तो इसे मिक्स कर लें अभी हम इस तरीके से। और यहाँ पे ये रख दिया गर्म होने के लिए, और ये जो है बेल रही हूँ मैं, ये गूंद गया था, ये गूंद दिया, बिल्कुल टाइट गूंदना है इसको, और इसको इस तरीके से काट ले, इसकी होनी चाहिए, दिख रही है सही, ठीक। यहाँ पे ये ढेर सारी टिकिया ऐसे काट काट के रखी है, थोड़ी बन भी गई हैं, और बना रही हैं, मम्मी बना रही हैं। यहाँ पर मैं न्याज कर रही हूँ, कुंडों की टिकियाँ बनी हुई हैं, और आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।